यह है सॉल्ट डेपॉक्सेटिन। इसका 30 mg या 60 mg यदि सेक्स से 2 घंटे पहले आप इसकी 2 गोली ले लेते हैं, और यदि आप सेक्स के अच्छे खिलाड़ी हैं और आपने पहले सेक्स किया हुआ है, तो आप करीब 1 से 1.5 घंटे तक अपना सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपको कभी इमरजेंसी में अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेटर करनी है, और यदि आपका पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, या आप किसी नई डेट पे जा रहे हो और आपको अपनी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन करनी है, तो डेपॉक्सिटिन की 2 गोली, 30 mg की 2 गोली या डेपॉक्सिटिन 60 mg की 1 गोली सेक्स से 2 घंटे पहले आप ले लेंगे, तो आप बिस्तर पे कमाल कर सकते हो। तो मैं डॉक्टर अमित जोशी आज आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 दवाइयों के बारे में जो आपकी सेक्सुअल टाइमिंग को 1.5 से 2 घंटे तक बढ़ा सकती है। आपका पार्टनर चीखने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा, और आपकी परफॉर्मेंस है वो लास्ट में सेक्स के बाद आपको एक अप्रिशिएशन देगा, अवार्ड देगा। तो आप नोट कर लीजिए 5 दवाइयों के बारे में मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्री मेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं और दूसरे लोगों के भी हैं, तो आप डिटेल्स उनके बारे में स्टडी करें कि व्हाट इज प्री मेच्योर इजैकुलेशन। प्री मेच्योर इजैकुलेशन जो है कि जब आप और आपका पार्टनर दोनों एक साथ आपको ऑर्गेजम नहीं आता है और आपका पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, तो उसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है इमरजेंसी के अंदर यदि आपको सेवाएं कहीं देनी है और आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, यदि आपका पार्टनर संतुष्ट नहीं है, तो आपको ये दवाइयाँ काम आ सकती है। तो सबसे पहले जो नाम आता है, तो जो पहला सॉल्ट आता है वो है डेपॉक्सिटिन। डेपॉक्सिटिन जो होता है ये इसका सॉल्ट है वर्मिया। डेपॉक्सिटिन के नाम से बहुत सारे सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, वर्मिया है, दासूत्रा है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मैं 30 mg से स्टार्ट करता हूँ। कई पेशेंट्स को 30 mg में ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ जाता है। यदि उसको 30 mg से पूरा परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा है, तो सेक्स से 2 घंटे पहले 60 mg की 1 गोली ले लें। बेसिकली डेपॉक्सिटिन क्या है? डेपॉक्सिटिन एक SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स है। ये एक तरह का एक एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन होता है। ये USFDA ने प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए अप्रूव भी किया हुआ है, सो आप इसको ले सकते हैं, और आप इसको यदि लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इस कड़ी में जो दूसरा सॉल्ट है वो है पैरोक्सेटिन। पैरोक्सेटिन अगेन एक SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स, तो ये अगेन मूड रिलैक्सेंट्स होते हैं और ये परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। इसमें 2 स्ट्रेंथ आती है, 12.5 और 25 mg। तो हम लोग इनिशियल लेवल पे 12.5 से स्टार्ट करते हैं। ये भी आपको सेक्स से करीब 2 घंटे पहले आपको लेनी होती है, तो आप 12.5 से स्टार्ट करो, और यदि आपको 12.5 के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है तो आपको 25 पे जाने की जरूरत नहीं, और ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस को बढ़ानी है, तो 25 mg भी ले सकते हैं। तो पैरोक्सेटिन भी एक वंडरफुल मॉलिक्यूल है टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। इस सेगमेंट में जो थर्ड मेडिसिन है वो है फ्लुक्सेटिन। फ्लुक्सेटिन जो है इसमें 2 स्ट्रेंथ मैं हमेशा यूज करता हूँ, फ्लुक्सेटिन 10 mg और फ्लुक्सेटिन 20 mg। अगेन यदि हम 10 mg से स्टार्ट करते हैं और यदि आपका परफॉर्मेंस 10 mg में बहुत अच्छा आ जाता है, तो 20 mg पे जाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि 20 mg से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही, तो आप प्री मेच्योर इजैकुलेशन के अंदर इसको रेगुलर बेस पे भी ले सकते हैं। तो यदि मेरे कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर सेक्सुअल लाइफ में है और इनको कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही होती, तो हम इनको लंच के बाद करीब 10 mg फ्लुक्सेटिन देते हैं, और रात को सेक्स से पहले करीब 30 mg या 60 mg, डिपेंड करता है उस पेशेंट की टॉलरेबिलिटी पे, तो 30 mg या 60 mg डेपॉक्सेटिन का कॉम्बिनेशन भी देते हैं। तो जब ये दोनों दवाइयों को मिक्स करते हैं तो उसका टाइमिंग जो है बहुत बढ़िया बढ़ जाता है, और वो करीब 1.5 से 2 घंटे तक सेक्स कर सकता है। अब इस सेगमेंट का जो चौथा मॉलिक्यूल है वो कोई ओरल मेडिसिन नहीं है, वो कुछ टॉपिकल जेल है, कुछ ऑयल है, जिनके रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारा जो पीनिस है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम होती है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, ये एक 35 रुपए का 37 रुपए का जेल है, लिडोकाइन 2 mg 2%। ये एक एनेस्थीसिया के अंदर काम आने वाला मॉलिक्यूल है जिसको लिडोकाइन बोलते हैं। तो इसका जो लो डोज होता है 2%, यदि आप इसको रेगुलरली आगे जो ग्लांस है, जो टिप है, जो पीनिस का टिप है, यदि उसकी एक हल्की सी कोटिंग कर लेते हैं और उससे पहले सेक्स करते हैं, तो
तो भी आपका टाइमिंग बढ़ जाता और इसका जो कॉस्ट है वो मात्र 30 रुपए। अब इसके साथ यदि आप रेगुलरली रेगुलर बेस पे, दो ऑयल है वितांग फोर्ट ऑयल और दूसरा है फुल चार्ज ऑयल, यदि इन दोनों तेल में से जो भी आपके पास अवेलेबल है इसको पूरे पीनिस पे आप मसाज करते हैं और पीनिस को इरेक्ट कर लेते हैं। इरेक्ट करने के बाद आप इस पे ये जो लिडोकेनाइन जेल है इसको ग्लांस के ऊपर ऐसे 2 से 3 मिनट तक इसकी फिंगरिंग करते तो जो आपका ग्लांस का सेंसिटिविटी है, कई लोगों के अंदर जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मेन रीजन क्या होता है वो होता है ग्लांस, उनका ग्लांस बहुत सेंसिटिव होता है तो जैसे ही वो वजाइना को छूता है छूते ही वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो यदि आप रेगुलर बेस पे इन दोनों में से किसी भी ऑयल और एक ये जेल जो 25-30 रुपए का इसकी मसाज करते हैं तो आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग बढ़ जाती है और आपकी परफॉर्मेंस सुधर जाती है। इस कड़ी के अंदर जो सबसे लास्ट और पांचवा पॉइंट है, जो मेडिसिन है जो आपको लिखनी है वो है लिडोकेनाइन स्प्रे। अब किसी आदमी का ग्लांस बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो क्या करना है कि 10% वाला स्प्रे आता है। यदि आप मार्केट के अंदर जितने भी जापानी तेल, ये तेल वो तेल देखते हैं तो उन सब के अंदर एनेस्थेटिक्स होता है, तो यदि आप ये 10% वाला स्प्रे सेक्स से 5 या 10 मिनट पहले स्प्रे मार लेते हैं आगे टिप के ऊपर तो आपका जो ग्लांस है वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाता है और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। यदि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है सेंसिटिव ग्लांस की वजह से तो ये एक वंडरफुल मॉलिक्यूल है और बहुत सस्ता आता है, आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। इसके साथ एक कैप्सूल आता है फुल चार्ज जिसके अंदर कुछ आयुर्वेदिक औषधियां होती है जो भी आपके टाइमिंग को बढ़ाती है। तो मैंने जो ये 5 मॉलिक्यूल्स बताए आपको ये एक बेहतरीन दवाइयां हैं जिनको आप अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन मैंने शुरू में ये बोला कि यदि आपको कहीं स्पेशल परफॉर्मेंस देनी है तो इन दवाइयों को आपका इस्तेमाल करना है, रेगुलर बेसिस पे आप इन दवाइयों को लेने से बचें। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन इज अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज, इसका यदि आपको प्रॉपर क्योर करना है, यदि आपको रेगुलर अपने पार्टनर के साथ टाइमिंग का इश्यू आ रहा है तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक इमरजेंसी पिल है जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती है। तो यदि आप प्री मैच्योर इजैकुलेशन का पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे प्री मैच्योर इजैकुलेशन के वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको ये पता चलेगा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन क्या है और लाइफ लॉन्ग यदि आपको लंबी इनिंग खेलनी है तो वो आप कैसे खेल सकते हैं।